तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेनोवो के अपकमिंग स्मार्टफोन लेनोवो Z6 Pro के बारे में, जो कि 100 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दो और चलिए जाते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में। तो अभी ट्रेंड चल रहा है 48 मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन की, तो हर कंपनी अपने स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल कैमरा देने का कोशिश कर रही है। और अब तो रेडमी ने 48 मेगापिक्सल कैमरे वाला स्मार्टफोन रेडमी नोट 7 प्रो को सिर्फ 14,000 के अंडर में लॉन्च कर चुकी है। तो एक टाइम था जब 48 मेगापिक्सल वाला जो भी कैमरा है ना, वो बहुत ही ज्यादा लगता था, मगर ये बिल्कुल अभी ट्रेंड बना हुआ है। और 48 मेगापिक्सल वाला जो भी कैमरा है ना, ये बिल्कुल अभी आम बात हो चुकी है, क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च होने वाले लगभग सारे स्मार्टफोन में हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब मार्केट में 100 मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन आने वाले हैं, तो शायद ये ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी। तो लेनोवो अपना अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जो कि लेनोवो Z6 Pro होने वाला है, और इसमें हमें 100 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली लेनोवो के प्रेसिडेंट ने एक टीजर आउट किया और इसमें कुछ चाइनीज हैशटैग का यूज करा गया है। तो अगर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है बिलियन पिक्सल, और अगर हम बिलियन पिक्सल को मेगापिक्सल में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 1000 मेगापिक्सल। तो फिलहाल तो 1000 मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन का होना पॉसिबल नहीं है। तो क्या सारे टेक वेबसाइट और रिपोर्ट्स की माने तो लेनोवो Z6 Pro में हमें 100 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 100 मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन का होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा स्मार्टफोन का होना बिल्कुल पॉसिबल है जिसमें हमें 100 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सके। तो शायद आपको ये बात पता नहीं होगा कि क्वालकॉम के क्या सारे प्रोसेसर है जो कि 192 मेगापिक्सल तक के कैमरा को सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 670, स्नैपड्रैगन 675, स्नैपड्रैगन 710, स्नैपड्रैगन 845, स्नैपड्रैगन 855। तो ये सारे क्वालकॉम प्रोसेसर 192 मेगापिक्सल तक के कैमरे को सपोर्ट कर सकता है, मगर इतने हाई मेगापिक्सल कैमरा वाले जो भी स्मार्टफोन होंगे ना, उनके प्रोसेसर MFNR और ZSL को सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा MFNR और ZSL के बारे में। तो MFNR का मतलब होता है मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन। तो इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि आपका जो भी कैमरा है ना, वो मल्टीपल इमेजेस को कैप्चर करेगा और उन सारे इमेजेस को मर्ज करके एक सिंगल इमेज को हमारे सामने शो करेगा। इसके साथ ही अगर आप लो लाइट के कंडीशन में फोटोज क्लिक कर रहे हो तो वैसे कंडीशन में हमें बहुत ही ज्यादा नॉइस देखने को मिलता है इमेजेस में, तो ये उस नॉइस को भी कम करता है और एक क्लियर इमेज हमें शो करता है। इसके अलावा बात करें अगर ZSL की, तो ZSL का मतलब होता है जीरो शटर लैग, यानी कि जब भी हम अपना कैमरा ओपन करते हैं ना और शटर बटन को क्लिक करने से पहले ये कई सारे इमेजेस को कैप्चर कर लेता है और इसे अपने ISP यानी कि इमेज सिग्नल प्रोसेसर में स्टोर कर लेता है, ताकि जब भी हम शटर बटन पर क्लिक करें तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इमेजेस हो जिसे वो प्रोसेस करके हमारे सामने एक इमेज को शो कर सके। तो बात करें अगर लेनोवो Z6 Pro की, तो अभी तक ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है कि इस स्मार्टफोन में हमें 100 मेगापिक्सल तक का कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में अभी तक ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो कि 100 मेगापिक्सल तक का कैमरा सेंसर बनाती हो। तो हो सकता है कि लेनोवो अपने इस स्मार्टफोन में पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करे, जिससे कि इस स्मार्टफोन में हमें 100 मेगापिक्सल का आउटपुट देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली क्या सारे स्मार्टफोन कंपनी से जो कि अपने स्मार्टफोन में पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। तो भाई आने वाले टाइम में हमें इसके बारे में पता चल ही जाएगा जब लेनोवो अपने नए स्मार्टफोन लेनोवो Z6 Pro को लॉन्च करेगा। बात करें अगर स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसके स्पेसिफिकेशंस को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर ये एक फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन होने वाला है। तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 855 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, साथ ही इसमें हमें 12GB का रैम और 512GB तक का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल सकता है। तो ये था लेनोवो के 100 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन लेनोवो Z6 Pro को लेकर एक छोटा सा अपडेट। तो नीचे कमेंट करके बताना कि लेनोवो का ये जो 100 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन है ना, ये आपको कैसा लगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।